मेरे दोस्तों, भारत के आगे आर्मीनिया गिड़गिड़ाया है। वो क्यों? भारत से वो तकनीक पूछ रहा है। क्या तकनीक पूछ रहा है? भारत रूस से हथियार लेता है, उसमें फेर बदल करता है, कुछ अपने पार्ट लगाता है, कहीं यूरोप के पार्ट लगाता है, जुगाड़ करके उसको मेक इन इंडिया का टैग लगाकर फिर कहता है भैया हमने बनाया है। लीजिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। मैं भाई अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। ये देखिए पूरी, ये है भाई साहब नव भारत की रिपोर्ट। रूसी हथियारों को देसी कैसे बनाते हो, भारत से वह राज जानना चाहता है दोस्त आर्मीनिया। ठीक है दोस्तों, तो आर्मीनिया गिड़गिड़ा ये रहा है। आर्मीनिया के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि भारत से हम बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत हमको ये टेक्निक दे दे कि कैसे विदेशी हथियारों में फेरबदल करके उसको अपना हथियार बना लेता है और फिर वो उसको आधुनिक बना लेता है, भारत उसको एडवांस हथियार बना लेता है। दोस्तों, भारत से मदद इसलिए मांग रहा है क्योंकि आर्मीनिया रूस से हथियार लेता था और आर्मीनिया रूस पर भरोसा करता था, लेकिन रशिया से आर्मीनिया के रिश्ते ख़राब चल रहे हैं, तो आर्मीनिया को एक दूसरा सहयोगी पार्टनर चाहिए। ऐसे में आर्मीनिया को भारी भरकम हथियार देने वाला ऑलरेडी भारत है। भारत दे रहा है उसको डिफेंस सिस्टम भी और फाइटर जेट भी। अब आपको बता दूं कि आर्मीनिया के पास जो पहले से फाइटर जेट हैं वो रूसी हैं, और उसके अंदर वो जो मिज़ाइल लगाना चाहता है वो अपनी लगाना चाहता है। मतलब बेसिकली किसी देश से लड़ाई हो गई है तो वो उससे तो हथियार लेना नहीं चाहता और ना वो उस पर डिपेंड होना चाहता है। तो आर्मीनिया भारत को मनाने में लगा हुआ है कि भैया आप हमें टेक्निक दीजिए ताकि हम विदेश से कोई भी हथियार लें तो उसमें हेर फेर करके उसको अपना बना सकें। दोस्तों, वही आर्मीनिया अमेरिका के करीब हो रहा है। अमेरिका के साथ उसने खतरनाक ड्रिल की है जिसकी वजह से रशिया पहले से ही आर्मीनिया से चिड़ा हुआ है। भारत की खुफिया एजेंसी ने कनाडा के अंदर 8 गुरुद्वारों की लिस्ट जारी की है। कहा है, ये देखिए रिपोर्ट पूरी स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कोई हम पर इल्जाम न लगा दे। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, खुलासा यह हुआ है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने बताया है कि 8 कनाडा में ऐसे गुरुद्वारे हैं जहां भारतीयों को, सिखों को वरगराया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और भारत के खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है और खालिस्तान में भर्ती की जा रही है। यह भारत की सिक्योरिटी के लिए यह 8 गुरुद्वारे खतरा हैं और यह चीज कनाडा की गवर्नमेंट से भारत ने शेयर कर दी है। दोस्तों, भारत में मुसलमान गद्दार होते हैं, ये एक उड़ाई हुई बात है। गद्दार होगा तो मुसलमान होगा, लेकिन सबसे बड़ा गद्दार होगा वो हिंदू होगा, ये कोई नहीं बताएगा। माफ कीजिएगा, मैं तमाम हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं। आतंक में धर्म लाने का काम भाजपा और मोदी सरकार करती है, तो उनको उन्हीं के हिसाब से जवाब देना जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट पूरी तरह से मौजूद है। अमृतसर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला ISI का जासूस गिरफ्तार हो गया है। नाम उसका बता दूं, दीप सिंह है, उसको प्यार से दीपू कहा जाता है और ये छहरता की भल्ला कॉलोनी का निवासी है। अमृतसर का यह मामला है। दोस्तों, ATS ने गिरफ्तार किया है ISI को। इसने जो जासूसी करके जो भारतीय सेना की और खुफिया जानकारियां दी हैं वो भी रिकवर कर ली हैं। तो दीपू उर्फ वो जेल में है और ये अब्दुल नहीं है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम की अगली बड़ी खबर ये है कि बाइडन और चीन के राष्ट्रपति एग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं। दोनों ही कई अपनी अपनी बातों पर राजी हैं और दोनों ही बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इसे कहते हैं अमेरिका का ठंडा पड़ जाना। एक साथ कई जगह अपनी पूंछ घुसाएगा तो कहीं ना कहीं तो नरम पड़ना ही पड़ेगा। उधर अमेरिका और साउथ कोरिया ड्रोन लेजर सेंसर्स के साथ, एडवांस हथियारों के साथ ड्रिल कर रहे हैं। दोस्तों, उधर कजाकिस्तान के अंदर माइन कोयले की खान में आग लग गई और इस आग लगने की वजह से 28 लोग मारे गए और सैकड़ों झुलस गए। इसी तरह से इजिप्ट में रोड एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट ऐसा हुआ रोड पर खतरनाक कि उस एक्सीडेंट में 35 लोग मारे गए। उधर दोस्तों, अमेरिका में कत्लेआम हुआ। एक पागल मरीन व्यक्ति ने, जो रिटायर था, दिमागी तौर से पागल था, उसने गोलीबारी करके 22 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों, 22 लोग एक झटके में अमेरिका में मारे गए। उसके बाद 48 घंटे तक वो हाथ नहीं आया। जब वो हाथ आया तो पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। खबर यह है कि उसको आवाजें सुनाई देती थी। अमेरिका अपने सैनिकों से इतने गुनाह करवाता है, इतने कत्लेआम करवाता है कि बाद में वो पागल हो जाता है। फिर उसको बातें सुनाई देती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, फिर वो कत्लेआम करता है।
सोच के देखिए। किर्गिस्तान को ताजा तस्वीरें, किर्गिस्तान को सौंप दिए हैं तुर्की ने अपने बैरक्तर एडवांस ड्रोन एकिंसी और एक्सुंगुर यूएवी ड्रोन, जो हमलावर ड्रोन है वो किर्गिस्तान को सौंप दिए हैं। साथ ही किर्गिस्तान ने बैरक्तर ड्रोन का भी ऑर्डर दे दिया है। मैक्सिको में खतरनाक तूफान जो आया था, अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है। तबाही का एक और मंजर। दोस्तों मैं तस्वीर तो आपको नहीं दिखा सकता। ईरान में एक 16 साल की बच्ची ईरान के मेट्रो स्टेशन पर बेहोश हो गई गिरकर। अब दो तरह की बात है। जनता कह रही है कि हिजाब उसने नहीं पहना था 16 साल की बच्ची ने, तो ईरान की वो जो मॉरल पुलिसिंग है उसने बुरी तरह से मारा और बेहोश हो गई और उसके बाद वो कोमा में चली गई। जब वो कोमा में चली गई तो एक लंबा इलाज चला हफ्ते भर तक, और आज खबर यह आई है कि उसकी मौत हो गई है। तो दोस्तों इस पर एक बार फिर से ईरान में दंगे की आग भड़कने की आशंका बढ़ गई है। उधर बांग्लादेश में अपने ही पीएम के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी हुई है और मांग कर रही है इस्तीफे की। डिक्टेटर उनको कहा जाता है, तानाशाह। वहां की जनता खुश नहीं है अपने प्रधानमंत्री यानी सरकार से, तो शेख हसीना से उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसी बीच दंगा भड़का है, झड़प हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए हैं और हजारों को गिरफ्तार किया गया है। मेरे दोस्तों रशिया ने खतरनाक जानकारी दी कि यूक्रेन ने रूस के जहां न्यूक्लियर वेस्ट पड़े होते हैं यूक्रेन ने वहां जाके हमला किया है। ये खतरनाक हमला था। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।